जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश करक जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको एक जमीनी हकीकत से सामना करवाने वाला हूं, एक जमीनी हकीकत से रूबरू करवाऊंगा, एक जमीनी सच्चाई बताऊंगा। हमारी भारत की राजधानी दिल्ली की कैसी ये कुव्यवस्था है ट्रैफिक पुलिस प्रशासन की। देखिए इस समय मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के, और रोहिणी का ये एरिया है। इस समय अगर जाम की स्थिति यहाँ पर देखेंगे तो पूरा तरीके से लबालब यहाँ पर पूरे चौराहे पर जाम लगा हुआ है। उस तरफ से देखेंगे तो भी जाम लगा हुआ है, और अगर यहाँ की स्थिति देखेंगे तो भी जाम बना हुआ है। स्कूल की बसें यहाँ पर फंसी हुई हैं, स्कूल की वैन यहाँ पर फंसी हुई हैं, और तमाम इस तरफ से भी देखेंगे तो पूरे लंबे जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और अगर सिंपल सी और साधारण सी भाषा में एक जमीनी हकीकत बता दूं, जो कि दिल्ली का हरेक वो आम नागरिक जूझता है, झेलता है और आए दिन ये समस्या को देखता है, कि आप जब भी अपनी गाड़ी में जाते हैं, चाहे आप टू व्हीलर चला लें या फोर व्हीलर चला लें, यदि आपके पास फोर व्हीलर के अंदर आपने सीट बेल्ट मतलब 2 इंच की सीट बेल्ट नहीं लगाए तो पुलिस की आंखें इतनी बड़ी हो जाती हैं और वो तुरंत चालान बनाने लग जाती हैं। जबकि आपने कोई विशेष कोई जुर्म अपराध नहीं किया है, ना आपने किसी का मर्डर किया है, तो भी आपका चालान बनेगा। क्यों? नियम है, कायदा कानून है कि आपको सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। यदि आपने गाड़ी चला रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं और हेलमेट नहीं लगाया तो पुलिस की आंख इतनी बड़ी हो जाती है, तो चालान हो जाएगा। लेकिन उन्हीं की आंखों के सामने इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाता है, पूरा जाम लग जाता है, जाम में एम्बुलेंस फंस जाती है, तब इसका जवाबदार कौन होगा? देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल का यहाँ पर यंत्र है, जिसमें लाल बत्ती को, ग्रीन बत्ती को, येलो बत्ती को कंट्रोल किया जाता है कि कब कौन सी बत्ती चालू करनी है। लेकिन यहाँ पर ये तो चालू है, लेकिन इसके नाम पर जिसकी यहाँ पर ड्यूटी होनी चाहिए, जिस ट्रैफिक पुलिस प्रशासन के यहाँ पर जिस पुलिस वाले की यहाँ पर ड्यूटी होनी चाहिए, वो यहाँ से गायब है, मतलब छूमंतर है। कहीं ना कहीं कागजों में अभी भी उसका वेतन चल रहा होगा, कहीं ना कहीं कागजों में अभी भी वो सैलरी ले रहा होगा यहाँ पर मौजूद होने की, लेकिन वो यहाँ से अभी भी गायब है। और यहाँ का ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला ही जब गायब है तो ट्रैफिक तो ऐसा फैलेगा ही फैलेगा, जबरदस्ती यहाँ पर जाम हो गई होगा। अब ऐसी जाम की स्थिति में जब कोई एम्बुलेंस फंस जाएगा, और अगर उसकी भगवान ना करे उस जाम की स्थिति में होने की वजह से कोई मौत हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसका जवाबदार कौन होगा? ना यहाँ पर मौजूद रहने वाला वो पुलिस प्रशासन होगा, ना यहाँ का कोई मौजूदा नेता होगा, ना यहाँ की मौजूदा कोई सरकार होगी, तो उसका जवाबदार होगा कौन? सही मायने में क्या होता है, हम लोग इन बेसिक मुद्दों से भटक जाते हैं, क्योंकि हमें नए नए मुद्दों में और बेफालतू के मुद्दों में उलझाया जाता है। जबकि यहाँ पर इसके जो भी भाई यहाँ पर नियुक्त किया गया होगा, उसकी जो सैलरी आ रही है वो हमारे और आम जनता के टैक्स के पैसे से आ रही है, और क्या यहाँ पर उस व्यक्ति को इस समय मौजूद नहीं होना चाहिए था? जबकि यहाँ पर ये काम कर रहा है और यहाँ पर इसको ऑपरेट करने वाला व्यक्ति खुद यहाँ पे गायब है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरे में इस समय जाम की स्थिति बनी हुई है। और सही मायने में हम लोगों को मिलकर के इन विषयों के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, बेसिक मुद्दों से हम लोगों को भटकना नहीं चाहिए। अगर कहीं पर भी इस तरह का भ्रष्टाचार देखते हैं तो तुरंत हम सबको मिल करके इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जय हिंद जय भारत।